खरगोन जिले के सेगांव समीपस्थ ग्राम रसगांव के दो लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके संपर्क में आए करीब 70 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यह क्षेत्र के लिए बड़ी राहत भरी खबर है, लेकिन फिर भी क्षेत्रवासियों को बहुत ही सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि अभी भी ग्राम हनुमंतिया और श्रीखंडी की स्थिति क्लियर नहीं हुई है। इसके साथ ही जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों के कारण स्थिति और गंभीर है। जिला कोरोना आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के लिए निर्णय अनुसार अब संपूर्ण जिले में रविवार और सोमवार दो दिन का लॉकडाउन रहेगा। सेगांव में पूर्व की भांति रविवार सोमवार के अतिरिक्त शुक्रवार हाट के दिन भी लॉकडाउन पूर्व की भांति जारी रहेगा। यह बात तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार ने कही। बुधवार शाम को पुलिस चौकी कार्यालय पर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज ग्राम रक्षा समिति और ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठक रखी गई, जिसमें कोरोना महामारी वैश्विक महामारी जो फैल रही है उसकी रोकथाम के लिए शासन के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि रविवार और सोमवार लॉकडाउन रहेगा और वैसे भी अपने शुक्रवार बाजार बंद रहता है, इन सारे दिनों के लिए इनके सहयोग की अपेक्षा के लिए आज बुलाया गया है और सभी से सहयोग पूर्णतः सहयोग पूर्व अनुसार सहयोग करने की अपेक्षा के साथ में इनको अपील की गई है और सभी ने इस कार्य हेतु सहयोग देने की आश्वासन। सर, अभी क्या स्थिति है कोरोना के क्षेत्र में? वर्तमान में कोरोना के तहसील क्षेत्र में चार मरीज पाए गए, जिसमें चारों को क्वारंटाइन आइसोलेट भेजा गया खरगोन। उनके जो कॉन्टेक्ट लिस्ट थी उनको सबको सैंपलिंग करके उनका सबकी निगरानी रखी जा रही है। जितने सैंपल रसगांव में होते 70 के 70 निगेटिव पाए गए, अर्थात रसगांव लगभग कोरोना से मुक्त हो रहा है। दो गांव श्रीखंडी और हनुमंतिया जहां पर सैंपलिंग कल कर ली गई है, दो चार दिन में उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी और आशा करते हैं कि वहाँ पर भी निगेटिव रिपोर्ट आए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।